जैसे कि ना टाइम देख सकते हो, और एक व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन आता है जो कि ना आपके सामने है, और उस व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन मेरे को दूर से जो चमकता है, अगर वो हुआ तो मैं बहुत लोगों को अभी तक याद हूँ। छत पे आया था थोड़ा धूप लेने, धूप तो नाम का है ही नहीं, ऊपर से इतना ज्यादा ठंड हवा चल रही है ना, आज 7 डिग्री था सुबह भी रात को भी, और अभी जाके थोड़ा सा डिग्री चेंज हुआ है, 11 डिग्री तक आया है, मतलब एकदम से उछल आया है, और रात को फिर से दिखा रहा है कि 6 डिग्री तक जाएगी। ठंड बहुत ज्यादा बढ़ी है, और छत पे आया था हवा और धूप लेने, मगर छत पे आता ही इतनी ठंड लगने लगी ना, ठंड ने मेरे ही मजे ले लिए, बहुत ज्यादा ठंड लग रही है और हवा भी बहुत ही तेज चल रहा है। वैसे आज है मेरा एग्जाम डे, देखते हैं एग्जाम कैसे जाता है, आई होप एग्जाम अच्छा ही जाएगा, और आपको क्वालिटी में कुछ चेंज आया है कैसे, यहाँ पे बैकग्राउंड चेंज हो रहा है, मतलब बैकग्राउंड नहीं, मुंह पे जो लाइटनिंग है ये चेंज हो रही है, एक साइड डार्क एक साइड लाइट, सही लग रहा है ना। सपना टूटा है तो दिल कभी जलता है, हाँ थोड़ा दर्द हुआ पर चलता है, सपना टूटा है तो दिल कभी जलता है। एक्चुअली मेरे को बहुत सारे फाइल ना इधर से उधर ट्रांसफर करना रहता है, मेनली आईफोन से पीसी में ट्रांसफर करने के लिए ना बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, कभी इस पे प्लग लगा फिर इसमें जाके वो सिलेक्ट हो ये सिलेक्ट हो, बहुत ज़्यादा झंझट होता है, तो इसलिए मैंने शेयर इट जो ये ऐप है मैंने इसको डाउनलोड कर लिया, सुना है कि ये वाला ऐप बहुत ही अच्छे से काम करता है, तो इसको इंस्टॉल करके फ़ोन में भी इंस्टॉल कर लिया, आईफोन में इस पर तो आता ही है, तो इस पर कर लिया मैंने, अभी आईफोन में भी कर लिया है और लैपटॉप पीसी में भी कर लिया है, देखते हैं अभी ये कितना फ्लुएंट काम करता है। ये शेयर इट्स बहुत घटिया ऐप है, एकदम पागल बना रहे हैं सारे मिलके। सो देखो जी, जो यहाँ पे लैपटॉप पे फाइल ट्रांसफर करने में जितना टाइम लगा ना मेरे को, उतने में मैं अपने इस वाले फोन में सैमसंग वाले फोन में मैंने इसमें क्या बोलते ट्रांसफर कर दिया है, करने के बाद लैपटॉप में ट्रांसफर कर दिया है, और ये करने में मेरे को बहुत टाइम लग गया ये भी बात है, मगर उसमें ट्रांसफर हो ही नहीं रहा था, बहुत घटिया सर्विस था। तो एप्पल टू वही है, थोड़ा बहुत इको वाला सिस्टम है, इको भी है ईगो भी है, मैं लैपटॉप में कनेक्ट हो जाता है मगर वो जो फाइल ट्रांसफर होती है ना सारे सीरियल वाइज नहीं रहती, मिलती तो इधर उधर इधर मिलती है, मैंने छोड़ो मेरे को चाहिए सारे सीरियल वाइज क्योंकि मेरे को एडिट करना है, और मैंने 5 बजे बोला था मेरे को एडिट करना है, उसके बाद से ये सब ट्रांसफर होने में अभी तक बच गया 7 और 7:30, और अभी जस्ट जाके मैं नहा के आया हूँ, और देखते इसमें अभी तक कितना फाइल आ चुका है, वैसे 384 वीडियोज देखा था मैंने फोन में, तो इसमें अभी तक कितना है मैं आपके सामने अभी चेक करता हूँ, और अभी बताता हूँ अभी के अभी, क्योंकि इसमें जो दिखा रहा है मेरे को, हाँ दिखा रहा है 317, मतलब 384 - 317 इतनी फाइल आई है, अभी इतनी फाइल बाकी है, तो फटाक से मैं इसको ट्रांसफर कर लेता हूँ, एडिट कर लेता हूँ, आज बाहर जाना कैंसिल हो गया। सो देखो जी, अभी अभी एग्ज़ाम हुआ, और एग्ज़ाम का जो रिजल्ट है ना वो तो बाद में मैम बताएगी, मगर जो क्वेश्चंस थे उसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा। क्वेश्चंस अजीब अजीब से क्वेश्चंस थे, मतलब कहाँ से उठाए थे, कुछ भी गूगल पे कहीं पे कुछ मिला ही नहीं, जो दिमाग में आया बस वही लिख दिया है, जैसे कि ने 6 एलिमेंट्स ऑफ द इंट्रोडक्शन, अब इंट्रोडक्शन का क्या एलिमेंट होता है कैसे पता होगा, नहीं पता था, तो मैंने जो मन में आया बस लिख दिया, और जो होना था वो मैम के ऊपर डिसाइड है। सो जैसे कि देख रहे हो अभी 4:27 टाइम हो चुका है, और अभी हमारी चाय आ चुके है, मम्मी भी हमारे साथ आज चाय पी रही है, मम्मी आज अचानक घर पे बैठ के पी रहे हो, बाहर आज भी भूख लगी, भूख लगी, और बाहर ठंड कैसी है, बहुत हाँ क्यों नहीं, चाय को कौन मना करता है, और थैंक यू फॉर दिस स्पेशल गिफ्ट फॉर माय चाय जो भी बोलो, चाय के बिना जिंदगी अधूरी, मैं एकदम हार जाता हूँ कभी कभार, चाय बिना ऐसे लगता है मेरे सांसें नहीं चलती, चाय और रस्क एक अलग ही, पता नहीं कुछ अलग ही लगता है मेरे को इनके दोनों का जो है ना रिलेशनशिप, पार्ले जी रस्क चाय ये सब एकदम आउट ऑफ वर्ल्ड है, मतलब इतना टेस्टी चाय, और चाय के साथ ये बेवरेज बहुत सही लगता है। सो अभी कुछ टाइम हो रखा है, 5 बज रहा है,
और चाय वाय पी के मैं मम्मी अपना काम कर रही है, इधर मेरे सब बेलव एडिट, और मैं थोड़ा सा एडिटिंग करूँगा अभी और करके फिर मैं थोड़ा सा बाहर घूम के आऊँगा, क्योंकि आज बहुत दिन हो गया ना मैं पैदल नहीं चला हूँ। मेरा जो स्टॉप वॉच है, स्मार्ट वॉच है, कुछ भी बोल लो, वो तो बोल रहे कि भैया आप चला करो, दिन में आप 1000 स्टेप भी नहीं चलते हो दिन में, ये बहुत बेकार बात है, मेरे को चलना चाहिए। कैसे भुला दूं उसको दिल से, दिल ही तो तोड़ा है उसने दिल लेके। सो इधर मैं एडिट कर ही रहा था और काम अपना कर ही रहा था, इतने में मम्मी लेके आती है पराठा, जो कि ना आलू के पराठे है, और मैं बहुत दिन बाद, मेरे को कुछ दिन से मन कर रहा था, मम्मी को सोच रहा था कभी बताऊंगा, मगर मम्मी ने बताने से पहले बना दी, ऐसी होती है माँ, जो बात अंदर से बोलो ना मम्मी वो सब चीज़ खाना बना के देती है। हाँ कुछ दिन घर पे हूँ, यहाँ पे हूँ, खा लेते, उसके बाद पता नहीं कब खाएंगे मम्मी का खाना। मैंने ना एक गलती कर दी, वो है गलती 17 दिसंबर और आज है 24 दिसंबर, मतलब उधर का 3 दिन, इधर का 4 दिन, 7 दिन, 7 दिन का व्लॉग एक साथ कंबाइन हो चुका है, और जो कि इतने सारे फाइल बन चुका है, अब उनमें से शफल हो जा रहा था, बार बार शफल हो रहा है, मैंने जो अभी फ़ोन जो ट्रांसफ़र किया ना, इसमें भी वही दिक्कत आ रही है, शफल हो रही है, और एकदम नाम वाइज भी कर रहा हूँ ना, तो फिर किसी किसी में कुछ कुछ अलग अलग नाम से भी आता है, हर डेट का ना नाम चेंज होता है, तो वो सीरियल नंबर नहीं रहता है, पता नहीं आईफोन में ही मिलता है और किसी और डिवाइस में डालते ही वो अलग अलग हो जाता है, ये तो एक दिक्कत बड़ी बात है। और इतने सारे फाइल को मेरे को एक साथ नहीं करना था, अगर मैं एक एक करके करता ना तो बढ़िया ऑप्शन रहता, अब से मैं हर 2 दिन या 1 दिन का एक एक बार में ट्रांसफ़र कर लूँगा, नहीं तो बाद में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आती है। समय का क्या भरोसा, कब किस पे कैसे हावी हो जाए और किस पे हल्का हो जाए, तो बताते हुए ये समय, अब मैं एडिटिंग करके उसको अपलोड पे लगाया ही था, तो मैं ना दिन भर थका हुआ था, तो सोचा कि क्यों ना आज का एडिटिंग का जो भी है छोड़ देते और इसी व्लॉग में दूसरे दिन का ऐड करते हैं, जो कि ना होगा 25 दिसंबर और 25 दिसंबर को कैसे सेलिब्रेट किया, आगे का जो पोर्शन रहेगा उसमें पूरा पूरा दिखेगा, तो सो वीडियो में बने रहना, और मस्त मस्त गाना चाहते हो तो नीचे कमेंट में जाके बोलो, वो सारे गाना कॉपीराइट फ्री है, तो नो कॉपीराइट फ्री आपको हिंदी गाना जितना भी चाहिए मेरे को बताना, और अगर आप चाहते हो कि मैं कहाँ से डाउनलोड करता हूँ उसका भी एक लिंक दे दूँ या फिर उसका एक वीडियो ट्यूटोरियल बना दूँ तो कॉन्टैक्ट करो। सो बाबा नहाने जा रहा था तो मेरे को याद आया पानी तो गर्म बैठा है नहीं, गर्म पानी करते हैं, नहीं तो बाबा नहाना हो जाए कैंसिल, जो आज का टेम्परेचर है ओ हो बहुत कम है भैया, अभी 9 डिग्री है, रात को थोड़ी देर बाद 7 डिग्री हो जाएगी, बहुत ही खतरनाक, ठंडे ठंडे पानी से नहाना नहीं है अपन को। सो गाइस अगर मेरे पास लाल टोपी और लाल शर्ट नहीं है तो मैं दुनिया वालों को मैरी क्रिसमस बोल के इस लाल कंबल में छुप जाऊं तो दुनिया माफ तो कर देगी ना। न्यू डे ओल्ड व्लॉग, मेरी मेरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू माय फ्रेंड्स माय फैमिली एंड माय फेलो ब्रदर एंड सिस्टर्स। देखो मम्मी ने चाय भी दे दी है, साथ में पानी भी दे दी है, और सुबह का चाय एक हो चुका है, ये सेकंड चाय है। आज सच्ची में बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत ही ज़्यादा, अभी 12:30 बज चुका है और सूरज देवता का प्रकट जस्ट अभी अभी हुआ है, सुबह से लेकर सूरज देवता का प्रकट नहीं हुआ था, अभी हुए, और बहुत ही ज़्यादा ठंड लगी है, मैं जस्ट खाना पीना खा के आया हूँ और कंबल में घुस चुका हूँ कि, और मेरी क्लास जो होने वाली है मैं कंबल के अंदर से क्लास करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे ऐसे बैठ के मज़ा नहीं आएगा, और थोड़ी देर में मैं मम्मी अगर काम हो जाएगी ना तो मम्मी का काम होने के बाद मैं हीटर चला लूँगा, क्योंकि ऐसे तो रहा ही नहीं जा रहा है, बहुत ज़्यादा ठंड लगी है, बहुत ही ज़्यादा। आज सच्ची में बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत ही ज़्यादा, अभी 12:30 बज चुका है और सूरज देवता का प्रकट जस्ट अभी अभी हुआ है, सुबह से लेकर सूरज देवता का प्रकट नहीं हुआ था, अभी हुए,
और बहुत ही ज्यादा ठंड लगी है। मैं जस्ट खाना पीना खा के आया हूँ और कंबल में घुस चुका हूँ कि और मेरी क्लास जो होने वाली है मैं कंबल के अंदर से क्लास करने वाला हूँ, क्योंकि मैं कैसे बैठ के मज़ा नहीं आएगा। और थोड़ी देर में मैं मम्मी अगर काम हो जाएगी ना, तो मम्मी का काम होने के बाद मैं हीटर चला लूँगा, क्योंकि ऐसे तो रहा ही नहीं जा रहा है। बहुत ज़्यादा ठंड लगी है, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि अभी दोपहर को देख सकते हो 2:30 बज रहा है और मेरे को अभी पीना है कॉफ़ी, क्योंकि आज क्लास लगने वाली थी और क्लास लगा ही नहीं, पता नहीं क्यों। रोज एक टाइम पे क्लास लगने का टाइम होता है, दूसरे टाइम पे क्लास लगता है। और नेस्ट कैफे का थोड़ा सा कॉफ़ी पियेंगे और फिर से पढ़ाई शुरू करेंगे, क्योंकि मैं थोड़ी देर मम्मी के पास सोया हुआ था और मम्मी मेरे से बहुत बातें कर रही थी, और वो भी अजीब अजीब बातें कर रही थी, बहुत घटिया घटिया। वैसे गर्म पानी मम्मी को भी पीना है, तो मम्मी को भी थोड़ा सा दे देते हैं, आधा इसमें देंगे क्योंकि ये ज़्यादा ही गर्म हो चुका है, और आधा जो है वो ठंडा पानी मिला देंगे। मैं कुछ ऐसे सब कंटेंट देख ही रहता हूँ कि मनाली ये वो, तभी मेरे फ़ोन में एक रिंग बजती है। व्हाट्सएप की स्क्रीन कुछ ऐसा दिखता है और मेरे आंखों में एक अजीब सा खुशी होती है, जो वो व्हाट्सएप के ऊपर दिखता है ना मेरे को, वो दिखता है मेरे को मेरा दोस्त जो कि ना रोमानिया से है, और ये है वो रोमानियन दोस्त, लिव्यू नाम है इसका, फोटो है और फोन नंबर भी है, जो कि उन्हें छुपाने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ पर फिर भी दिख गया है, तो उनको डिस्टर्ब मत करना। सो लिव्यू का जो रोमानिया से मैसेज आया है वो देख के मैं बहुत खुश हुआ, मैरी क्रिसमस ब्रो, वो अभी भी मैं उनकी याद में हूँ, और आज का ही डेट है तो मैरी क्रिसमस बोल के उनको सेंड कर देते हैं। खुशी मेरे को भी हुआ कि भाई ने मेरे को आज तक याद रखा। सो पेला के कराटे मार रही है, आपको सुनाता हूँ, सुनो। पांच बीस अभी टाइम हो रहा है और इसको एडिट करने में कितना टाइम लगता है वो आपको दिखाता हूँ। शायद मेरे को एक घंटे से ऊपर लग सकता है, क्योंकि इसमें कुछ मैं बहुत ज्यादा अनोखा करने वाला हूँ जो कि आपको कल तक दिख जाएगा, मतलब ये वीडियो आप देख चुके होगे, और ये खतरनाक वाला स्टेप करने वाला हूँ। और आके पापा ने थोड़ी देर पहले 50 का नोट देके गए, भैया अभी अमीर हो गया, बहुत ज्यादा अमीर, अमीर ब्रो, बहुत अमीर। तो ब्रो अभी इसको एडिट करेंगे, तब तक मेरा फोन रहेगा डू नॉट डिस्टर्ब मोड पे, इसमें जितने भी कॉल आएगा कुछ भी आएगा कुछ पता नहीं चलेगा, क्योंकि मैंने कर रखा है डू नॉट डिस्टर्ब मोड, और साथ में इसको एयरप्लेन पे भी कर दिया है, वाईफाई ऑन करके एयरप्लेन पे कर दिया मैंने। सो एडिट करता करते एकदम से क्लास लग गई, और क्लास लगने के बाद सर ने अचानक मेरा नाम ले लिया, मैं थोड़ा सा घबरा गया मेरे नाम क्यों ले रहे हैं, फिर पता चला अच्छा अटेंडेंस नहीं है, नॉर्मली क्वेश्चन पूछने के लिए, तो क्वेश्चन वेश्चन पूछ लिया, और पूरे टाइम कैमरा ऑन रखना रहता है, बहुत ही घटिया सर है, पूरे टाइम कैमरा ऑन रखते हैं, मतलब उन्हीं को देखो, सिर्फ उन्हीं को और कहीं मत देखो। तो अभी क्लास कर लेते हैं, वैसे भी टाइम देख सकते हो 6:19 हो चुका है, तो अभी क्लास कर लेते हैं, क्लास मतलब अभी तो ब्रेक चल रहा है, ब्रेक के बाद क्लास खत्म हो जाएगी, उसके बाद मिलता हूँ। बावा फुटेज भी एक नंबर आएगी, 4K में सब कुछ एक्सपोर्ट किया है, सब कुछ 4K में, ठीक है ना, तो इसका जो सीक्वेंस बनेगा पूरा 4K में आएगा। बाय द वे इसमें जो दिखा रहा है आप देख सकते हो 30 FPS पे आएगा, इसको शायद अगर 60 FPS कर देते तो और भी बढ़िया आता आउटपुट, मगर उसको कैसे करते हैं मेरे को सीखना पड़ेगा, मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ। सो फाइनली क्लास हो चुकी है ख़त्म, जो मेरा टाइम देख सकते हो 8:26, 2 दिन से शाम को दोपहर को घर से बाहर ही नहीं निकला हूँ, अब थोड़ा सा नहा लेते हैं क्योंकि सुबह से नहाया नहीं है और मैं अजीब सा दिख। सो बाबा नहाने जा रहा था तो मेरे को याद आया पानी तो गर्म बैठा है नहीं, गर्म पानी करते हैं नहीं तो बाबा नहाना हो जाए कैंसिल, जो आज का टेम्परेचर है ओ हो बहुत कम है भैया, अभी 9 degrees है,
रात को थोड़ी देर बाद 7 डिग्री हो जाएगी, बहुत ही खतरनाक। ठंडे ठंडे पानी से नहाना नहीं है अपन को। सो अपने घर पे है गीजर, ऑन कर दिया है। क्या मैं फ्लेक्स करने लगा हूँ? गीजर है, ये है, वो है, करना नहीं चाहिए, मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि नहाना है और मैंने अभी तक एक भी दिन नहाना मिस नहीं किया भैया। मैं रोज नहाता हूँ, रोज। जब तक पानी गर्म हो रही है, ये जो बुक का सेक्शन है इसको थोड़ा सा इधर स्प्लिट कर देता हूँ, नहीं तो वो टेबल एकदम टेढ़ा हो चुका है, वहाँ से वो टूट जाएगा। मेरे को इसको सीधा करना है, मतलब इसको इधर करके थोड़ा सा वेट कम करना है उस टेबल का। बालों में बहुत दिन बाद आज लगा है पैरासूट ऑयल, नारियल तेल, ये जो है ये लगा है बहुत ही दिन बाद, ये मेरे पता नहीं मुंह पे फोकस कर रहा है। सो आज ये लगाने के बाद बाल थोड़ा सा देखो ना कितना नेचुरली ग्लो कर रहा है, एकदम नेचुरली ग्लो कर रहा है बाल, सही है, बहुत दिन बाद लगा है ना। फिलहाल मैं नहा के आ चुका हूँ और आने के बाद कुछ अजीब सा फील हो रहा है, अजीब सा मीन्स मतलब थोड़ा अच्छा लग रहा है। देखो एक साइड से व्हाइट वाली लाइट आ रही है, एक साइड से रेड वाली लाइट आ रही है, और 18 के टाइम पे और भी ज़्यादा मतलब कंट्रास्ट हो जाएगा जो कि ना मुझे पता है। और वैसे बेला हमारे आ चुकी है, बेला बहुत ही खूबसूरत है, अपनी बेला जब भी मैं बात करता हूँ तभी आ जाती है, बिना बात के ही आ जाती है फुटेज लेने। हाँ बेला, तुमको फुटेज चाहिए? वैसे बेला अभी थोड़ा उदास है क्योंकि बहुत दिन हो गए ना बाहर नहीं लगे तो इसलिए उदास है। और वैसे मैंने ये कपड़ा पहन लिया नहाने के बाद तो उसको लगता है हमेशा कि मैं जब भी नहाने के बाद कपड़ा पहनता हूँ मतलब उस टाइम इसको बाहर ले जाऊँ, क्योंकि पहले एक आदत पड़ गई थी नहाने के आने के बाद ही इसको बाहर लेके जाता था, तो उसको ये है कि भैया अभी नहा के आए तो अभी बाहर ले जाएंगे, मगर ऐसा कुछ है नहीं है। सॉरी, अभी चलो पढ़ाई करते हैं सब मिलके, तुम भी ABCD पढ़ो मैं भी पढ़ता हूँ, ठीक है? इधर बेलक और मैं पढ़ाई कर ही रहा होता हूँ तभी मम्मी का आता है हाथ का स्वादिष्ट सा मैगी, और टाइम बिल्कुल शाम के हो चुका है टाइम, और मैं और बेला मैगी को एंजॉय करते रहे थे और बहुत बातें कर रहे थे। बेला पता नहीं मेरे बात बहुत अच्छे से सुनती भी है और बातें सुनने के बाद वो रिप्लाई भी करती है। सो सुबह से लेकर अभी शाम रात हो चुकी है, जो 11:19 हो चुका है, अभी चलते सोने क्योंकि तेज आ रही है नींद, अभी नहीं सोएंगे तो सुबह कैसे उठेंगे। सो यही था 25th of December का आज का पूरा का दिन, और पूरा दिन ऐसे ही बिताया, ना ही कोई केक, ना ही कोई जिंगल्स, ना ही कहीं घूमने गया, 2 दिन से घर में ही पड़े रहा, 2 दिन एग्ज़ाम चल रहा था और आज भी एग्ज़ाम हुआ जिसमें कि मेरे से अचानक क्वेश्चन पूछा गया था, मैंने कुछ कुछ आंसर सही बताए और कुछ कुछ मैंने सर को बोला सर रिवाइज करना है, तो सर ने बोला कि नेक्स्ट क्लास में बता देना थोड़ा सा नेक्स्ट क्लास का टॉपिक, और उसके लिए मैं आपको दिखाने वाला हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में क्या क्या प्रोसेसिंग रहेगा। तो मिलता हूँ नेक्स्ट ऐसे खूबसूरत सब ब्लॉग के साथ, तो अगर आपने यहाँ तक देख लिया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हो सके तो बेल आइकन ज़रूर दबा लेना और लाइक करके ज़रूर जाना। मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।